Hello friends, I'm Sonali Mehta from Career Classes and we are here to discuss how to score 95 plus marks. Exam की डेट ऑलरेडी आ चुकी है, दैट इज फॉर 4th मई टू 10th जून. आपने बहुत सारा रिवाइज कर लिया है, बहुत कुछ स्टडी भी कर लिया है, बट आज हमें देखना है कि कैसे हम मैक्सिमम स्टडी कर पाए. यूजली हम बातें करते हैं कि हाउ टू स्कोर 95 प्लस इन साइंस, बट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 95 नहीं 98 प्लस. क्यों 98 प्लस? बिकॉज अब तक हमारे पास सफिशियंट टाइम था, हम सब लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपने सारे इंटेक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, आपके स्कूल में, आपके कोचिंग क्लास में, हर जगह पे आपके कुछ प्रीलिम्स हो चुके हैं, तो एक बेसिक जो वर्क है वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है. अभी हमारे पास एक्स्ट्रा 4 मंथ है, जो भी हमारी मिस्टेक है, जो भी हमारी गलतियां हैं, उसे रेक्टिफाई करने के लिए. तो हम 95 प्लस नहीं 98 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, और मैं तो बोलूंगी 100 आउट ऑफ 100 भी कैसे स्कोर कर पाएंगे, ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू स्कोर 98 प्लस इन साइंस. ये स्पेशली वीडियो बनाई गई है सीबीएसई बोर्ड के लिए, तो आप सीबीएसई बोर्ड से नहीं भी हो फिर भी आप इसे रिफर कर सकते हो. बेसिक टेक्निक सेम रहेगी, कुछ डिलीटेड पोर्शन आपका अलग होगा. तो इन फॉर जीबीएससी 10 GBSC हमारी अलग से वीडियो आएगी, तब तक के लिए आप ये देखते रहिए हाउ टू स्कोर 98 प्लस इन साइंस फॉर 10 CBSE बोर्ड्स. तो स्टार्ट करते हैं. बेसिकली हाउ टू स्कोर 98% इन साइंस, ये चीज करने के लिए मैं बोलूंगी हमें तीन चीज आनी चाहिए. बेसिक प्रिंसिपल है, जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं या ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं या 100 out of 100 स्कोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको तीन चीजें जरूरी होती है. सबसे पहला प्लानिंग. विदाउट प्लानिंग हमें अगर कुछ पता ही नहीं है कि हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, तो हम कभी भी हमारे गोल तक, हमारी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते. तो सबसे जरूरी चीज और होनी चाहिए सबके पास प्लानिंग, कि किस तरीके से आज से लेके अपने बोर्ड एग्जाम के तक हम कैसे, कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम में कैसे कवर करेंगे. तो हर एक बच्चे के पास अपना खुद का प्लानिंग होना चाहिए, खुद का टाइम टेबल होना चाहिए कि किस तरीके से अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है. ऐसे ही कुछ उठा के पढ़ लिया और प्रिपेयर कर लिया तो इस तरीके से हम स्कोर तो कर लेंगे, बट जो हम 98 प्लस स्कोर करने की बात कर रहे हैं वो पॉसिबल शायद नहीं हो सकता है. तो हर एक सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे एक सॉलिड प्लानिंग होनी चाहिए, तो वो प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए. ठीक है, हमारे यहाँ करियर पे तो हमने ऑलरेडी आपको बहुत सारा लंबा प्लान बना के दे दिया है कि किसके बाद कैसे एक 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 स्टेप हम अपने सक्सेस की ओर मूव होते जाएंगे. जैसे प्री बोर्ड हमारे हो चुके हैं, 2 प्री बोर्ड हो चुके हैं, हमारा सिलेबस हमने कवर कर लिया है, रिविजन सेशन चल रहे हैं. तो हर एक बच्चे के पास अपना खुद का प्लानिंग होना चाहिए कि या तो आप करियर के प्लानिंग के साथ स्टिक रहो या फिर आप कुछ उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करो, बट जो भी करो पहले से आपको क्लियर होना चाहिए कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप कौन सी प्रोसीजर फॉलो करने वाले हो. तो फर्स्ट चीज जो हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा रिक्वायर है, दैट इज प्लानिंग. प्लानिंग के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, तो प्लानिंग सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है. अगर सेकेंड चीज की बात करें तो होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, प्लानिंग करने में तो बहुत बढ़िया है हम लोग, आप भी बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छे से प्लान करते हो, हम फॉलो करते हैं, हम करते हैं, आप फॉलो करते हो, सब कुछ होता है, बट इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे वीक हो जाते हैं. वो प्लान करते हैं, एक बार मतलब जोश आ गया, हमने कोई टॉक शो सुना या फिर हमने बात की, यहाँ से आपको इंस्पायर किया गया, अब बहुत एक्टिव हो, आपने पेपर पेन लेके टेबल बना लिया, पूरा टाइम टेबल सेट है, बट एक दो दिन, एक दिन चलेगा, दूसरे दिन चलेगा, फिर ऐसा हो जाएगा कि आप लेजी हो जाओगे, आप स्टिक वही टाइम टेबल को फॉलो नहीं करोगे. ठीक है, आपने खुद के लिए टाइम टेबल बनाया कि ओके हम 5 o'clock उठेंगे, 5 से 7 एक पेपर सॉल्व करेंगे, 7 से 10 लिख देंगे. तो ये जो टाइम टेबल है, जो भी आप बना रहे हो, उसे एंड तक फॉलो करना है, टिल द आपका लास्ट पेपर होगा बोर्ड का, तब तक, तभी जाके आपको कोई सक्सेसफुल कॉन्क्रीट रिजल्ट मिलेगा. वरना बोलने की बात है कि इजी है, नो डाउट इजी है, पर उनके लिए इजी है जो इम्प्लीमेंट करेंगे. सिर्फ आप प्लान करोगे और आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो वो नहीं चलेगा.
तो जो भी चीज आप डिसाइड करते हो, जो भी आपने सोच के रखा है, जो भी आपने प्लान किया है, उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्लान करने से सक्सेस नहीं मिलेगी, प्लान चीजों को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, तब जाके सक्सेस आपके हाथ लग सकती है। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट चीज, दैट इज इवेल्युएशन। ठीक है, आप प्लान कर रहे हो, आप पढ़ भी रहे हो, पर बार बार ये चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो आप कर रहे हो वो परफेक्ट है, कहीं पे कुछ छूट नहीं रहा है, कहीं पे कुछ गलती नहीं है। आपने जो प्लान किया था उस हिसाब से आपने जो प्रिपेयर किया वो 100% सही है, आपको सही आ रहा है, आपका रिजल्ट बढ़ रहा है, आपका ग्रोथ हो रहा है। तो टाइम टाइम पे इवेल्युएट करना, ट्रेस्ट देना, प्रीपोर लिखना, ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग तीनों तीन चीजों को बैलेंस करके चलेंगे, जैसे ये प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। आप प्लान करोगे, हम प्लान करेंगे कि कैसे पढ़ना है, प्लानिंग के बाद उसी हिसाब से उसी शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए इम्प्लीमेंट करेंगे, और छोटे छोटे टाइम इंटरवल पे हम उसे चेक भी करेंगे कि जो हमने डिसाइड किया था या जो हमने प्लान किया था उसमें हम 100% सक्सेस रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, हमारा ग्रोथ कैसे हो रहा है, हम कहीं पे वीक तो नहीं है। तो तीन चीजें चाहिए, नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 इम्प्लीमेंटेशन, एंड नंबर 3 इवेल्युएशन। उसके बाद हमें हमारा मन चाहा रिजल्ट या हमारा गोल या फिर 98+ मिल सकता है। अब अगर आगे बात करें तो कैसे स्कोर करेंगे 98+, तो सबसे बेसिक चीज है नो योर सिलेबस। आपको आपका सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर पर्टिकुलरली साइंस की यहाँ पे हम बात करेंगे तो कौन सा पोर्शन आपको पूरा पूरा पढ़ना है, कौन से पोर्शन से कुछ पोर्शन आपको डिलीटेड है, और कौन सा पूरा पूरा चैप्टर आपको डिलीटेड है, तो पहले हम ये नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले नो रिडक्शन चैप्टर्स, ऐसे चैप्टर्स जिसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पूरा पूरा चैप्टर आपको अच्छे से करना है, कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है। सेकेंड एसिड बेस एंड सॉल्ट, वो भी पूरा चैप्टर आपको करना है। थर्ड दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। नंबर 4 लाइफ साइंस एंड प्रोसेसेस। फिर चैप्टर 8 आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चैप्टर 10 लाइट। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। एंड चैप्टर 15 दैट इज अवर एनवायरनमेंट। ये सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से आपको कोई भी पार्ट डिडक्ट नहीं हुआ है, मतलब आपको उठा के शुरू से लेके एंड तक पूरा 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 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना है और हर एक क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये बात हो गई नो रिडक्शन पोर्शन। अब अगर हम बात करें पार्शियली रिडक्शन, ऐसे चैप्टर जिसमें से कुछ कुछ टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं, ठीक है। तो पहला है चैप्टर 3, 1 एंड 2 तो आपको पूरा आ रहा था। चैप्टर 3 में यहाँ पे आपको मेटल एंड नॉन मेटल में बेसिक मेटालर्जिक प्रोसेसेस नहीं है, करोजन और उसके प्रिवेंशन भी आपको सिलेबस में से कट कर दिए गए हैं, तो आपको ये टॉपिक नहीं करने हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दैट इज कार्बन एंड कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बन एंड कंपाउंड से कार्बन के नोमेनक्लेचर आपको नहीं करने हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड नहीं करनी है, इथेनॉल एंड इथेनॉल नोइक एसिड आपको नहीं करना है। नेक्स्ट अगर बात करें अबाउट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो आपको सिर्फ अगला पार्ट, हेरिडिटी वाला पार्ट, मतलब व्हाट इज हेरिडिटी, मेंडेलियन लॉ कौन से है वगैरह आपको पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन तक पढ़ना है, बट सेकेंड पार्ट दैट इज इवोल्यूशन वो पूरा आपको डिलीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है, उसमें से आई का जो स्ट्रक्चर है पूरा आई वाला पार्ट आपको डिलीटेड है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें से पीछे वाला पार्ट दैट इज जनरेटर, ठीक है, AC/DC करंट और डोमेस्टिक सर्किट, ये पूरा पार्ट आपको डिलीटेड है, मतलब इतने पोर्शन आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ना ही उसके रिगार्डिंग टॉपिक्स सम्स या क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो तब। अब कुछ चैप्टर ऐसे है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, फुल्ली रिमूव्ड है, मतलब ये टेक्स्ट बुक में से आपको हटा ही देना है कि ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में है। तो ऐसे 2 चैप्टर है जो फुल्ली रिमूव्ड है। एक तो नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज अबाउट ब्रेन एंड जो भी हमारी कोऑर्डिनेशन की टेक्निक हमने पढ़ी हुई है, बट फिलहाल ये आपके सिलेबस से पूरी तरीके से डिलीटेड है।
सेकेंड सोर्सेस ऑफ एनर्जी, पूरा 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 चैप्टर डिलीटेड है। तो ये दो चैप्टर निकल के अब हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, ये हमारा सिलेबस 14 चैप्टर का हो जाने वाला है। 16 में से सिर्फ आपको 14 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं और उसमें से भी आधे चैप्टर के आधे टॉपिक डिलीटेड है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियरली पता होना चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक फेज कंप्लीट होगा। आप अगर दिमाग में क्लियरली बिठा के रखते हो कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, पॉसिबली आप जो बुक पढ़ रहे हो या आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो या आपके कुछ वर्किंग नोट्स है आप या हैंड रिटन बना नोट्स बना के उसमें से पढ़ रहे हो, तो जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसके पहले पेज पे ये स्ट्रिक्ट होना चाहिए, आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि ये नहीं पढ़ना है, यही पढ़ना है और इतना ही पढ़ना है। So, अब आगे बात करेंगे कि आपकी पेपर पैटर्न कौन सी है। नो योर पेपर पैटर्न मतलब आपका पेपर कैसा होगा, आपको एक बेसिक आइडिया तो होगा ही। आपने मतलब मेरे ख्याल से आप तक पांच पेपर तो दे ही दिए होंगे 80 मार्क्स के, तो आपको वो पता होगा कि आपकी पैटर्न क्या है। बट शायद आपने नई वाली पैटर्न से एक या दो ही प्री बोर्ड दिए होंगे, तो पहले समझते हैं कि वॉट इज द मार्किंग स्कीम फॉर द 10 CBSE पेपर 2020-21, ठीक है। तो आपका पूरा जो चैप्टर है मतलब पेपर जो है उसमें टोटल 36 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसमें फर्स्ट टू 20 जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, वो सारे एक मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, वन मार्क क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 32 मार्क्स, ठीक है। अब आप पूछोगे कि मैम 20 क्वेश्चन है, एक एक मार्क के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, MCQ VSA AR certain assertion reason ये सारे questions होने वाले हैं, एक एक मार्क के हैं, तो 32 कैसे हो जाएंगे समझाती हूँ, ठीक है। इसमें कैसा रहेगा कि आपका जो 1 to 20 है, 1 to 20 जो questions है, ये question कैसे रहेंगे, एक मार्क के सीधे सीधे question रहेंगे जिसमें MCQ हो सकता है, very short questions हो सकता है, assertion reason हो सकता है, ऐसे 20 question आपको आएंगे। उसमें एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है इस बार, वो कौन सा पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज केस बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी पे रिलेटेड क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और वो पैराग्राफ में से आपको पैराग्राफ के नीचे 5 क्वेश्चंस होंगे, आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे आप कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस लिखते हो उस तरीके से होंगे, ऊपर एक पैराग्राफ हो सकता है, उसमें डायग्राम हो सकता है, उसमें चार्ट हो सकता है, बट आपको उसमें से क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढना है। थोड़ा सा ट्रिकियर पार्ट होता है ये कि हम चार्ट ऐसा देख लेते हैं या हम ऐसा टेबल देख लेते हैं या ऐसा डायग्राम देख लेते हैं कि जो हमने बुक में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन रिलेटेड या फिर मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड आपको 5 MCQ दिए गए हैं, बट आपको कोई चार्ट दे देंगे या बार ग्राफ दे देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ऐसा चार्ट ना हमने कभी देखा है, तो नीचे के क्वेश्चन के आंसर हम कैसे देंगे, तो आप पैराग्राफ पढ़ने लग जाते हो, उसे अंडरलाइन करते हो, ठीक है। नो डाउट रिलेटेड पैराग्राफ होता है, कभी कभी उसमें से आंसर मिल भी जाते हैं, बट सिर्फ आपको डायग्राम देख के घबराना नहीं है, जस्ट रीड वंस और या फिर सीधे नीचे आप क्वेश्चन देख लीजिए, आपको ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे होंगे जो डायरेक्ट आपको सोचना है कि सीधे MCQ पूछे और उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो पैराग्राफ देके आप घबराओगे नहीं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आपने कुछ कुछ प्रैक्टिस किए होंगे, ज्यादातर कोशिश ऐसे करेंगे हम लोग कि केस बेस्ड क्वेश्चन जो आपके लिए नया नहीं है पुराना ही, पर वो देखने की आपको आदत नहीं है, तो हो सके उतने सैंपल क्वेश्चन पेपर में से हम ये केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन में कैसा रहेगा कि 20 तक सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, 21 आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और उसमें से कोई भी 4 आपको आंसर करने हैं, एनी 4, ठीक है, जो भी 4 आपको आते हैं वो आपको आंसर करने हैं। तो ऐसे आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 20 प्लस यहाँ से आपको 20 मार्क का होगा प्लस केस बेस के 3 क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे एक क्वेश्चन में, तो 20 प्लस 12 इज इक्वल टू 32,
तो पूरा सेशन ए जो आपका रहेगा वो कितने मार्क्स का रहेगा, 32 मार्क्स का। 20 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आते हैं कैसे लिखने हैं, या तो सिंपल आपको आंसर दे देना, या किसी में एक मार्क का डायग्राम पूछ सकते हैं, या आपको एमसीक्यू सिंपल पूछ सकते हैं। बट ये केस्ड बेस्ड जो है वो आपके लिए नया है, उसमें भी सिर्फ एमसीक्यू ही होगा, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं दिखाना है, कहाँ से आया कंसेप्ट वो भी नहीं दिखाना है। आपको सिंपल ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि 21 के फर्स्ट में डी, 21 के सेकेंड में सी, थर्ड में ए, कोई भी चार, पांच में से कोई भी चार ही लिखने हैं, और फर्स्ट फोर आपने जो लिखे वही कंसिडर होंगे। तो सीधे 12 मार्क के केस्ड बेस्ड आंसर आ रहे हैं आपके सेशन ए में। तो ये तो बात हो गई अबाउट योर सेशन ए, ठीक है, ओके। अब अगर आगे बात करते हैं तो आपका सेशन बी जो रहेगा, आपको पता ही है सेकेंड सेशन है जिसमें 2 मार्क के आपको आंसर लिखने हैं, इन अराउंड 32-35 वर्ड में आपको आंसर लिखने हैं। सेशन बी जो है 21-26 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, ठीक है, उसमें टोटल मार्क्स 2 मार्क के 6 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, तो 12 मार्क का पूरा आपका सेशन हो गया जिसमें 30-35 वर्ड्स में आपको आंसर लिखने हैं। अब 2 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको प्रॉपरली रीड करके जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है पर्टिकुलरली वही पॉइंट वाइज आंसर आपको लिखना है, आसपास की स्टोरी वहां पे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हो गया आपका सेशन सी, ठीक है। ये सेक्शन सी जो होगा उसमें 27-33 क्वेश्चंस होंगे, राइट। अब ये हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क का होगा, मतलब आपको इलोबरेट तरीके से लिखना है 50-80 वर्ड्स में। डायग्राम अगर नीडेड है तो डायग्राम बनाने हैं, आप फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन कर रहे हो तो फ्लो चार्ट भी दिखाना है, ठीक है। तो अच्छे से पूरी तरीके से प्रिपेयर पोर्शन आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे रिटन पार्ट कर लेते हैं, डायग्राम छोड़ देते हैं, डायग्राम कर लेते हैं, रिटन पार्ट कुछ भी लिख दिया, एक पैराग्राफ लिख दिया, खत्म। ऐसा नहीं, अच्छे से उसे प्रेजेंट करना होगा। और सेशन डी जो होगा आपका 34-36 क्वेश्चन, ठीक है, 5 मार्क का एक क्वेश्चन है। ऐसे आपको 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ठीक है। तो टोटल मार्क्स आपके 15 मार्क्स, 80-120 वर्ड्स में आपको लिखना है। जनरली एक शॉर्ट नोट या ऐसा ना पूछ के एक ही क्वेश्चन में वो 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को, कभी कभी हम एक आध क्वेश्चन ही देखना ही भूल जाते हैं, हमें 3 पार्ट ही दिखते, एक पूरा पार्ट लिखना ही भूल गए। 1-2-3 दिए थे क्वेश्चन में, 1-2 लिखे, 3 दिखा ही नहीं। तो क्वेश्चन पेपर को भी बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। तो टोटल ओवरऑल आपका पूरा पेपर 1-36 क्वेश्चन 4 सेशन में बटा है। ए सेशन में 1-20 क्वेश्चन है जिसमें से पीछे के जो क्वेश्चन आएंगे 3 वो केस बेस्ड स्टडी होंगे, ठीक है, 18-19-20। बाकी के 17 क्वेश्चंस जो होंगे वो नॉर्मल अब तक जैसे लिखते आ रहे हो वैसे। सेक्शन 2 में 2 मार्क के, सेक्शन सी में 3 मार्क के, और सेक्शन डी में 5 मार्क के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। तो ये आपका बेसिक पेपर स्टाइल हो गया जो कि 80 मार्क्स का होगा, और 3 घंटे में उसे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे कि मैम कौन से सेशन को, कौन से वाले सेक्शन को हम कितना टाइम देंगे, ठीक है। जैसे कि सेक्शन ए हो गया तो उसे आधे घंटे में कंप्लीट करना है, या बी हो गया तो उसे कितने मिनट में कंप्लीट करना है। वैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आपको बताया जाएगा, हर कोई बताएगा कि ये वाला सेक्शन जो है वो आपको इतने मिनट में कंप्लीट करना है। बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि हर एक स्टूडेंट का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, एक वीक पार्ट होता है, ठीक है। मान लीजिए किसी का सेक्शन ए बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके रखी हुई है, जितने पेपर मिले सारे सॉल्व कर दिए, हर एक सब्जेक्ट में 20-20 सैंपल पेपर सॉल्व करके रखे हैं, तो पॉसिबली आपके सामने जब पेपर आएगा आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आते ही होंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये वाला सेक्शन जो है आप बहुत ही कम टाइम में 15 मिनट या 20 मिनट में कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और किसी के लिए ऐसा है कि ये वाला सेक्शन जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, उनको सोचना पड़ता है, प्रोबेबली उनका वीक ही है, आपने भले प्रैक्टिस की है पर आपको टाइम लगता है, आप घबराए हुए हो, ये सेक्शन से आपको हर वक्त डर लगता है, तो ऐसा सेक्शन आप लास्ट चूज कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए ज्यादा टाइम आप निकाल सकते हो, ठीक है। किसी का इलोबरेटिव आंसर बहुत अच्छे से पूरे साल लिख लिख के प्रिपेयर करके रखा ही है, आपका अगर ये सी और डी ज्यादा
स्ट्रॉन्ग है तो आप उसे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो कम टाइम में, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो पेपर का टाइम सेटिंग जो है कि कौन सा सेक्शन कब पहले आखिरी में कितने टाइम में लिखना है, ये आपको खुद को जज करना पड़ेगा और ऐसे ही नहीं जज कर पाओगे आप। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पहला लिखना सही है या लास्ट लिखना सही है? प्रैक्टिस से पता लगेगा। किसी को पहले से पता नहीं होता है कि कैसे करना है कैसे करेंगे, पर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे आपको आपकी गलतियां दिखेगी कि यहाँ पे आप ज्यादा टाइम ले रहे हो, ये सेक्शन कंप्लीट, ये पेपर में ए सेक्शन आपने 20 मिनट में कंप्लीट कर लिया। तो जब भी प्रैक्टिस करेंगे ना, एक चीज नोट डाउन करते जाना कि सेक्शन ए कंप्लीट करने में आपने कितनी मिनट ली, बी में कितनी ली, सी में कितनी ली, डी में कितनी ली, कहाँ पे आप पीछे जा रहे हो, कहाँ कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ये सब 3-4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके नहीं आएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अकेले क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करोगे तो भी इतना समझ में नहीं आएगा जितना पेपर, पूरा पूरा पेपर 3 घंटे बैठ के लिखने में समझ में आता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रख के खुद का एक पेपर स्टाइल होना चाहिए जहां से आप सारी चीजें समझ सको, ठीक है। खुद के दिमाग में एक प्लान होना चाहिए कि आपका पेपर जब आएगा तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे भी एक और बात मैं बोलना चाहूंगी कि देखो, आपको कोई चीज अगर पहले से पता हो कैसा होता है तो वो करने में आपको बहुत मतलब आसानी से आप वो कर जाओगे, बट आपको पहले से पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, कौन आएगा, कोई नई जगह पे जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि पूरे सेशन में आपको क्या करना है, कौन आने वाला है, कैसे पेपर लिखना है, कुछ पता नहीं है, तो आपके लिए वो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। बट अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखी है तो बोर्ड का पेपर भी आपको नॉर्मल पेपर दिखेगा जिसके सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे और आप बहुत इजीली उसे लिख लोगे। तो प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये तो बात हो गई कि आपका पेपर कैसे आएगा और आपको उसे कैसे अटेन करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज स्ट्रेटेजी, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला स्टेप है, ठीक है, बेसिकली स्टेप देख लेते हैं कि करना क्या है। तो यहाँ पे क्या है, हमें 3 चीज ध्यान रखनी है। वैसे हमने पूरी स्ट्रेटेजी 5 स्टेज में डिसाइड करके रखी है, पर 1 by 1 हम देखते हैं। सबसे पहला और बहुत ही जरूरी काम ये है कि एक बार अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसे अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। एक चैप्टर आप पकड़िए, ठीक है, 1 by 1 एक बाय एक करके आप चैप्टर चूज कर सकते हैं। जस्ट एक बार रीड कर लीजिए, रीड करते वक्त आपको जो भी ट्रिकी पार्ट लगे या यहाँ से कुछ आ सकता है या इम्पोर्टेंट है उसे सिर्फ हाईलाइट कर दीजिए, रटने की जरूरत नहीं, जस्ट उसे आराम से अच्छे से ध्यान से रीड कर लीजिए। और उसके बाद वो पर्टिकुलर चैप्टर के इंडेक्स, जो बीच में चेक पॉइंट्स होते हैं वो इंडेक्स और एनसीईआरटी फोल्डर के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। 70-80% क्वेश्चन सीधे सीधे वहीं से आपको पूछे जाएंगे, तो वहां पे कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं छूटना चाहिए जो आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया हो, ठीक है। भले आपने अभी तक सारे क्वेश्चंस देख भी लिए होंगे, एक बार लर्न भी कर लिए होंगे, लिख भी लिए होंगे, बट एक एक चीज हो सके तो नोट्स में लिखते जाइए, ठीक है। मान लीजिए कि आप स्टार्ट कर रहे हो लाइफ प्रोसेसेस से, ठीक है, तो आप मान लीजिए आप जीरो से प्रिपेयर करना चालू कर रहे हो, अब तक आपने जो भी किया है उसे एक साइड पे रखते हैं, आप नंबर स्टेप 1 से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हो, तो क्या करना है आपको, जस्ट आपकी एनसीईआरटी उठाइए, उसको एक बार शांति से पूरा सेक्शन ए है मतलब न्यूट्रिशन पूरा पढ़ लिया, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उसे आपने अंडरलाइन कर दी, एक्टिविटी में से ऐसा कुछ लगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जस्ट उसे अंडरलाइन या फिर हाईलाइट कर दे जाइए। आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया, अब बारी है उनके इंडेक्स और एनसीईआरटी फोल्डर की, तो नोटबुक बनाइए, सीधे क्वेश्चन ऐसे लिखते ही जाइए। पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो आपने बहुत बार ऑलरेडी पढ़ चुके हुआ, पर जब आप क्वेश्चन लिखेंगे या क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ठीक है इसके इतने इतने पॉइंट्स हैं, आप इतने पॉइंट्स में उसे प्रेजेंट कर सकते हो, अगर 2 मार्क का आया तो, अगर 3 मार्क का आया तो इसमें कितने की वर्ड्स है और की वर्ड्स है उसे अंडरलाइन कर सकते हो आप। तो एक बार अच्छे से पूरा एनसीईआरटी का जो हमारा फोल्डर है, एक्सरसाइज है,
और जितने बीच वाले इंडेक्स क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वो एक बार लिख लीजिए, चाहे आप देख के लिखिए पर एक बार अच्छे से लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन है और उसका आंसर यही आएगा। एक बार आप ध्यान से लिखोगे ना, जस्ट कॉपी करने से कोई मतलब नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड से पूरा आंसर आप खुद प्रिपेयर करोगे ना, तो आपके पास अपने खुद के लिखे हुए नोट्स होंगे एनसीईआरटी फोल्डर के, ठीक है, मतलब कौन सा क्वेश्चन आएगा तो कैसे प्रेजेंट करना है कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। दूसरा चीज, आपने पढ़ा, आपने की नोट्स बनाए, आपने एनसीईआरटी फोल्डर के एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिए, ठीक है, तो एक बेसिक काम आपका हो गया कि आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। अब पढ़ना या लिखना काफी होता है? नहीं होता है, हमें ये चीज को रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि चल ये चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस आपने जनवरी में पढ़ा, ठीक है, जनवरी के बाद फिर आप दूसरे चैप्टर करते गए दूसरे सब्जेक्ट पे आप कर रहे हो बाय द टाइम, तो पहले जो आपने अभी पढ़ा है आप सोच रहे हो कि अभी आप अप्रैल में उसे वापस पढ़ने जाओगे तो आप भूल जाओगे। तो पॉसिबली हर एक चीज को याद रखने का एक तरीका होता है, जैसे हम यहाँ पे प्रिंसिपल फॉलो करते हैं और आप लोगों ने बहुत बार ये सुना भी होगा, दैट इज 3 R प्रिंसिपल, ठीक है, बहुत बार आपको बताया भी गया होगा, दैट इज रीड रिकॉल एंड रिवाइज, ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा रीड रिकॉल एंड रिवाइज। आपने एक बार पढ़ लिया, नोट्स बना दी, एक्सरसाइज सॉल्व कर दी, ठीक है, हफ्ते बार वापस उसको पेज पलट के देखो कि अच्छा इतने इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इतने आपने हाईलाइट किए थे। दोबारा आप पहली बार पढ़ोगे पॉसिबली आपको 2 घंटे 3 घंटे लग सकते हैं, अगर बहुत आपने पहले से बेसिक वर्क करके नहीं रखा होगा तो और टाइम भी लग सकता है, जस्ट आप फर्स्ट टाइम जब करोगे तब टाइम लगेगा, बट दूसरी बार आप रिवाइज करोगे तो उसे रिवाइज करने में शायद 15 मिनट या आधा घंटा हो सकता है, 7 दिन बाद या 15 दिन बाद। पूरे हफ्ते में आपने जो पढ़ा उसे एक बार वीक में वापस सिर्फ पेज पलटा के देखिए कि आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे, ठीक है, फिर आप कहीं जा रहे हो या आप सो रहे हो तो आप आईज क्लोज करके रिकॉल कर सकते हो कि पूरे दिन में आपने कौन कौन से, अच्छा ये चैप्टर पढ़ा था, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, तो ऐसा आप बिना बुक के भी याद कर सकते हो। तो रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल पे जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो या आपने कर लिया है उसे रिकॉल करना, रीड तो किया ही, उसे रिकॉल करना और रिवाइज करते रहना बहुत ही जरूरी है, वही चीज आपको चीजें याद रखने में हेल्प करेगी, ठीक है। वैसे हम बहुत कुछ देखते हैं, बहुत सारे पर्सन को आपने एक बार पास में से आके गुजरेगा, आप शॉपिंग करने के लिए जाओगे तो वहां पे लोगों को देखोगे तो आपको हर एक के फेस याद रहते हैं कि कितने लोगों को आपने देखा, नहीं याद रहते हैं, पर जिसे आप बार बार मिल रहे हो या आपके क्लासमेट है या आपके नेबर है तो आपको वो अच्छे से पता होता है कि ये पर्सन है, ठीक है, उसके बार 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 देखा है, तो 2 साल के बाद भी आपको मिलेगा ना तो भीड़ में भी आप पहचान लोगे कि अरे ये तो मेरे सर थे, क्या ये तो मेरे नेबर थे, ठीक है, और मिलने जाओगे तो ऐसी ही चीजें याद रहेगी जो आपके आंखों के सामने आपके दिमाग में बार 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 देखी जाएगी। आप जितना रिकॉल करोगे रिवाइज करोगे उतना अच्छे से और इतना परफेक्टली आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 3 था कि किस तरीके से, पहले हमने एनसीईआरटी चैप्टर पढ़े, फिर उनके इंटेक्स एंड एनसीईआरटी फोल्डर अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, मतलब हमारा बेसिक काम हो गया, उसके बाद जो भी पढ़ा उसे आपको बार 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 रिवाइज करना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, दैट इज हमारा स्टेप नंबर 4, दैट इज डू एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अब एग्जाम्पलर आपको पता ही, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमने भी बहुत सारे करे हैं, आपने प्रैक्टिस भी की होगी, ठीक है। अगर आप करियर का पार्ट नहीं हो या आपको नहीं पता है, ठीक है, तो एनसीईआरटी फोल्डर्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स जो है आपको गूगल पे आप सर्च करोगे मिल जाएंगे, और आप हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम भी ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सारे ऑब्जेक्टिव रिवाइज करना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ट्रिकियर क्वेश्चंस जो आपको लगे जो आपके इंटेक्स में नहीं थे या एनसीईआरटी फोल्डर में नहीं थे उसे एनसीईआरटी फोल्डर से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इतना आपका हो गया मतलब यू आर डन, आपने प्लानिंग वाला पार्ट और प्रिपरेशन वाला पार्ट खत्म कर लिया है। इसके बाद हमारा जो ये लास्ट स्टेप रहेगा दैट इज सैंपल पेपर प्रैक्टिस, ठीक है। जनरली सब एडवाइस करते हैं कि हमें एटलीस्ट 5 से 7 पेपर प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है, बट
5-7 या 10 पेपर आप एग्जाम के तौर पे लिखोगे, ठीक है, वरना आप जितने पेपर सॉल्व कर रहे हो तो तकरीबन आप 12 से 15 पेपर तक सॉल्व कर सकते हो, कुछ कुछ तो आपने ऑलरेडी 5-7 तो आपने ऑलरेडी कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो आप कर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम जितने कर सको एटलीस्ट 12-15 पेपर सॉल्व करने, भले आप 3 घंटे की उसको लिखो ना लिखो, बट इतने पेपर आपको सॉल्व तो करने हैं। और वो पेपर कैसे होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर न्यू रिड्यूस सिलेबस, पुराने पिछले साल के पुराने पेपर सेट लेके सॉल्व करोगे तो आपको स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आएगी कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कितने मार्क्स में आता है। पॉसिबली है तो एटलीस्ट मैं तो कहूंगी कि आप लिखिए 4-5-6-7 पेपर पूरी एग्जाम की तरह ही लिखिए 3 घंटे में अलार्म क्लॉक लगा के। अगर ये आप नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट उसे 12 से 15 पेपर आप सॉल्व कीजिए खुद, ठीक है, ऐसा नहीं ये सॉल्यूशन है उसमें से पढ़ लिया दैट्स इट, नहीं, आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, आपके खुद के एफर्ट्स होने चाहिए, खुद सॉल्व करके बनाया हुआ नोट्स होना चाहिए कि ये पूरा सैंपल पेपर का एक नोटबुक है जिसमें आपने 12 से 15 पेपर सॉल्व करके लिखे है, ठीक है, आप प्रिपेयर करके बाद में लिख रहे हो दैट इज फाइन, या आप सॉल्व करके भी लिख रहे हो, बट एटलीस्ट 12-15 पेपर आपको सॉल्व कर लें। अगर यहाँ तक आपने प्रिपेयर कर लिया तो आई डोंट थिंक कि जब बोर्ड का पेपर आएगा तब आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि ये आपने प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि 12 से 15 पेपर मतलब पूरी आपकी बुक आ जाएगी, पूरा आपका सिलेबस आ जाएगा, आई डोंट थिंक कि उसके बाद एक आध आपको ट्रिकियर क्वेश्चन शायद मिले, ठीक है, तो इतना प्रिपेयर करेंगे तो आप पूरी तरीके से आपका प्रिपरेशन पार्ट कंप्लीट कर चुके होंगे, आप इतने पेपर सॉल्व करोगे, आप इतने पेपर दोगे और उसे चेक करोगे तो आपका इवोल्यूशन पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, कि आपको पता लगेगा कि अच्छा हैंडराइटिंग ठीक नहीं जा रहे है, या लास्ट में आपको टाइम कम मिल रहा है, या फिर आप डायग्राम नहीं बना पा रहे हो, तो जितनी हो सके उतनी पेपर प्रैक्टिस करना जरूरी है, और प्रैक्टिस ना कर पाओ तो एटलीस्ट पेपर सॉल्व करना भी इतना ही जरूरी है। अगर यहाँ तक कर रहे हैं तो 100% आप 100 out of 100 ला सकते हो। कंडीशन इज दैट कि आपको गलती का एक भी चांस नहीं रखना है, और इस बार ये ज्यादा फिजिबल इसलिए है क्योंकि आपके पास अभी भी एटलीस्ट 4 महीने आपके हाथ में है, ठीक है, सो ये आप बेसिक करोगे। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात कौन कौन सी है, एक तो आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस खास करने हैं क्योंकि अब तक आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, ठीक है, अब चार्ट या डायग्राम देख के घबरा जाते हो तो उसका जितने भी पेपर मिले पूरा पूरा पेपर सॉल्व करो ना करो, पर हर एक पेपर से केस बेस्ड क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करना, ठीक है। सेकेंड चीज, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो या रीड कर रहे हो या क्वेश्चन आप रीड कर रहे हो, जहां पे आपको ट्रिकियर लगे कि नहीं आपको ये याद रखने में दिक्कत आ रही है या शायद आप ये पार्ट भूल जाओगे, तो उसे स्पेशली स्टार मार्क करके रखिए ताकि जब आप पढ़ोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपने मतलब एग्जाम के अगले टाइम पे अगले दिन या एग्जाम के टाइम पे जब पढ़ोगे तो आपको ये स्टार मार्क दिखेगा, आपका रिवाइज करना छूट नहीं जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू स्कोर 98+ मार्क्स इन योर 10th CBSE बोर्ड। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से आगे बढ़ते रहिए और ग्रो कीजिए, ठीक है। हम विश करेंगे कि जितने लोग ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं या करने वाले हैं सभी के 98+ या 100 out of 100 आए। आपके पास इनफ टाइम है, और कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो दिल से डेडिकेशन से अगर हम ये फॉलो करेंगे तो श्योरली आपके भी 98+ या 100 out of 100 स्कोर हो सकते हैं। तो वी आर करियर, ऑल द बेस्ट फ्रॉम होल द करियर फैमिली, कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। We are career transforming your dreams into reality. Bye bye. All the best.